Bismillah Rahman Rahim. Welcome to the first topic of our course, which is introduction to cost benefit analysis. आपको मैंने outline वाली discussion में बताया था कि this topic is basically kind of a beginner level introduction, जिसके अंदर हम पहले बात करेंगे इसके definitions की, इसके uses की, इसके against arguments की, इसकी costs की, अगर शुरू में किया जाए, दरमियान में किया जाए या आखिर में किया जाए एक प्रोजेक्ट के, तो क्या इम्पैक्ट होते हैं. फिर हम इसके 10 स्टेप्स हैं, विल गो थ्रू देम, और आखिर में हम इसके कुछ पॉलिटिकल कॉनोटेशंस समझने की कोशिश करेंगे. तो बेसिकली वील हैव थ्री पार्ट्स ऑफ सेशन वन, जिसमें पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर स्टेप्स होंगे और फिर पोलिटिकल कॉनोटेशंस पे बात करेंगे. ये एक कोटेशन है बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो के फाउंडिंग फादर्स में से थे अमेरिका के. तो ये उस वक्त की बात है जब ये अमेरिका जा रहे थे लंदन से. द लेजेंड हैज इट के इन्होंने 3 शिप्स भर के किताबों के ये लेके गए थे फॉर द न्यूली फॉर द स्टेट दैट वुड बी एस्टैब्लिश्ड अ फ्यू इयर्स लेटर. तो इसमें लिखा हुआ है, इनसे किसी ने सवाल पूछा कि हम एक प्रोजेक्ट करने लगे हैं तो हम उसको कैसे देखें. तो इन्होंने जवाब दिया कि इन द अफेयर ऑफ सो मच इम्पोर्टेंस टू यू, वेयर इन यू आस्क माई एडवाइस, आई कैन नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ सफिशियंट प्रमाइस एडवाइस यू वट टू डिटर्मिन, बट आई इफ यू प्लीज टेल यू हाउ. यानी डिटेल नहीं पता, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ. When those difficult cases occur, they are difficult chiefly because while we have them under consideration, all the reasons, pros and cons are not present to the mind at the same time. But sometimes one set presents themselves and at other times another, the first being out of sight. Hence, various purposes and inclinations that alternately prevail and the uncertainty that perplexes us. यानी वो कह रहे हैं कि जब आप एक ऐसे प्रोजेक्ट का सोचने लगते हैं जो कि अगले चंद सालों में होगा और फिर अगले कई दहाइयों तक उसके इम्पैक्ट होंगे, तो ऑब्वियसली सारे प्रोज एंड कॉन्स उस वक्त आपके दिमाग में नहीं होते. कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है, कोई नहीं भी आते, इकट्ठे कभी भी सारे नहीं आते. टू गेट ओवर दिस, माई वे इज टू डिवाइड हाफ अ शीट ऑफ पेपर बाई अ लाइन इन टू 2 कॉलम्स, राइटिंग ओवर द प्रोज इन 1 कॉलम एंड कॉन्स इन द अदर कॉलम. देन ड्यूरिंग 3 or 4 डेज कंसिडरेशन, I put down under the different heads short hints to the different motives that at different times occur to me for or against the measure. Yani main ek usko pe heading likh ke aur 2 column bana deta hu for or against ke, pros or cons ke, aur agle kuch dino tak jo mere zehen mein aate rehte hain main unko note karta rehta hu. When I have thus got them all together in one view, ek safhe pe mujhe sare nazar aa rahe hain, I endeavor to estimate their respective weights, and where I find 2, 1 on each side that seem equal, I strike them both out. यानी पहले उन्होंने कहा कि मैं उनको लिस्ट कर देता हूँ, फिर वो कहते हैं कि मैं उनको वेट भी देता हूँ. यानी जाहिर है सब चीज़ें बराबर नहीं होती ना, तो 2 जो वेट में भी बराबर होते हैं और वैसे भी एक एक होते हैं, और मुझे लगे कि एक एक साइड पे लिखा है, एक दूसरे साइड पे मुझे लगे कि ऑलमोस्ट इक्वल है इम्पैक्ट में, तो मैं दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूँ. कभी ऐसा हो कि एक साइड के 2 दूसरी साइड के 1 के बराबर हो, तो इन तीनों को कैंसिल आउट कर देता हूँ. कभी एक साइड के 2 दूसरी साइड के 3 के बराबर हो, तो उन पाँचों को कैंसिल कर देता हूँ. दस प्रोसीडिंग इफ आई फाइंड एट लेंथ वेयर द बैलेंस लाइज. यानी इस तरह चलते चलते फिर आखिर में मुझे 1, 2, 3, 4 जितने भी बच जाते हैं जिस साइड पर भी, अगर प्रोज की साइड पे बच जाएं तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव आउटकम का प्रोजेक्ट है, कॉन्स की साइड पे बच जाएं तो वो नेगेटिव आउटकम का प्रोजेक्ट है. आई कम टू अ डिटर्मिनेशन अकॉर्डिंगली, मैं फैसला कर लेता हूँ. एंड दो द वेट ऑफ रीजंस कैन नॉट बी टेकन विद द प्रिसिजन ऑफ एल्जेब्रिक क्वांटिटीज, येट व्हेन ईच इज दस कंसिडर्ड सेपरेटली एंड कंपेरेटिवली एंड द होल लाइज बिफोर मी, आई थिंक आई कैन जज बेटर एंड एम लेस लाइबल टू मेक अ रैश स्टेप. यानी वो कहते हैं कि अब वेट देना भी ऑब्वियसली स्पेशली ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो कि क्वालिटेटिव नेचर की होती हैं, उनको आसान नहीं होता है, प्रिसिजन के साथ आप नहीं दे सकते हैं. लेकिन स्टिल जब मैं ये प्रोसेस
फॉलो करता हूँ तो मैं रैश डिसीजन से बच जाता हूँ, क्योंकि सारे के सारे एटलीस्ट जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो प्रोज एंड कॉन कंसिडर कर लेता हूँ। एंड इन फैक्ट आई हैव फाउंड ग्रेट एडवांटेज फ्रॉम दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इन वॉट मे बी कॉल्ड मॉरल और प्रूडेंशियल एलजेब्रा। तो वो कह रहे हैं मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इससे, और मैं इस अपने तरीके को कहता हूँ मॉरल एलजेब्रा या प्रूडेंशियल एलजेब्रा। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, आप लोग इनके बारे में पढ़िएगा जब आपको टाइम मिले, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन अमेरिकन हिस्ट्री। यानी एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से शुरू हुए होके तो ये अमेरिका के अमीर तरीन शख्स बन गए थे, और एक ऐसा वक्त था कि ही वॉज द नेचुरल चॉइस फॉर द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए, लेकिन वो सेहत की वजह से वो नहीं बन सके, और फिर ऑब्वियसली जॉर्ज वाशिंगटन बन गए थे। तो ये जो उन्होंने एक तरीका, अगर और करें तो ये हमें बहुत अच्छे फंडामेंटल्स प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के लिए कि वो करना चाहिए या नहीं। और ये हम बात कर रहे हैं तकरीबन 250 साल पहले की। तो लेट्स सी व्हाट सीबीए इज, अ मेथड फॉर डिटरमिनिंग सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। तो ये सिर्फ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स की बात नहीं हो रही, बल्कि ये एक सोशल पर्सपेक्टिव से बात हो रही है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की। ऑब्वियसली अगर सिर्फ आप कॉस्ट और बेनिफिट्स को देखें तो वो तो सिंपल एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक तरफ 500 आ जाएगा, एक तरफ 600 आ जाएगा, तो 600 इज व्हाट यू वुड डू। लेकिन यहाँ पे सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स की बात हो रही है, जिसकी फिर ऑब्वियसली कुछ कॉनोटेशंस हैं कि उनको क्वान्टिफाई भी करना पड़ेगा। तो जब आप सोशल चीज़ें लेके आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक्टिविटी के आपकी सेहत पे क्या असरात होंगे, एक पुल बनने लगा है आपके घर के करीब, वहाँ पे मिट्टी धूल उड़ेगी, वहाँ से दरख्त काटे जाएंगे, तो आपकी सेहत पे क्या असरात होंगे, वहाँ के फ्लोरा एंड फौना पे क्या असरात होंगे, वहाँ पे अगर एनिमल लाइफ है उस पर क्या असरात होंगे, एंड एंड सो मेनी अदर थिंग्स। यानी आप एज अ पॉलिसी आपने फैसला किया कि ये पुल बनाना है, इससे लोगों का आधा घंटा बच जाएगा, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, फिर आप करते क्या हैं कि कोशिश करते हैं कि उन इम्पैक्ट्स को मॉनेटरी टर्म्स में एनालाइज करें। जैसा पीछे हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब की बात में देखा था कि आसान नहीं होता ऑब्वियसली इस चीज़ को एनालाइज करना कि पुल बनने के एनिमल्स के हैबिटेट पे डॉलर की टर्म्स में या रुपीस की टर्म्स में क्या असर होगा, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी डू इन सीबीए। तो करते क्या है हम कि वी कैलकुलेट सोशल बेनिफिट्स, नेट सोशल बेनिफिट्स फॉर ईच अल्टरनेटिव। फर्ज करें उसी जगह पुल बनाने के बजाय हमारे पास एक और ऑप्शन ये था कि हम पुल ना बनाएं, बल्कि वी गो अराउंड द माउंटेन और एक रोड बना दें वहां से। तीसरी ऑप्शन ये थी कि हम दोनों साइडों पे पियर्स बना के तो वहां पे एक फेरी सर्विस शुरू कर दें। इस तरह और भी कुछ ऑप्शंस थी, और हो सकता है एक ऑप्शन हमारे पास ये भी हो कि कुछ ना करें, ऐसा ही रहने दें, स्टेटस को रहने दें। तो ये जो तीन चार ऑप्शंस हैं, इन सब के हम फिर नेट सोशल बेनिफिट्स कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट। और लॉजिकली बेनिफिट्स ज़्यादा हों तो हम फैसला करते हैं कि ये काम कर लेते हैं, और अगर तीन चार काम हैं ऑप्शंस हैं तो उनमें से जिसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे हम फैसला करते हैं कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला काम कर लें। तो बड़ा पर्पस, ब्रॉड पर्पस सीबीए का क्या हुआ कि हेल्प सोशल डिसीजन मेकिंग। यानी आप एक फैसला करने लगे, जैसे सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स या लीडर पे फैसला करते हैं, तो वो उनको ये देखना होता है कि ये कोई शॉर्ट टर्म फैसला तो है नहीं, मैंने मोटरवे बनानी है, मैंने प्राइवेटाइजेशन करनी है या कुछ भी, उनके टाइम से बहुत बाद तक इसके इम्पैक्ट होते हैं। तो इस सोशल डिसीजन मेकिंग में सीबीए उनको हेल्प करता है। एंड इम्प्रूव एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब यह है कि आपके पास कुछ रकम है टैक्सेस से जो जमा हुई, यानी लोगों की रकम है, आपने उसको कहीं एलोकेट करना है, तो वो एफिशिएंटली एलोकेट होनी चाहिए, और उस जगह एलोकेट होनी चाहिए जो रिलेटिवली सबसे एफिशिएंट हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेटस को ही सबसे एफिशिएंट होता है, यानी कुछ ना करना सबसे एफिशिएंट होता है। तो यानी फिर आपने फैसला करना है कि हम इस इशू के बारे में कुछ नहीं करेंगे। सीबीए के अगेंस्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अगेंस्ट, उसके खिलाफ दो फंडामेंटल आर्गूमेंट्स हैं। पहला आर्गूमेंट ये है कि कुछ लोग डिस्प्यूट करते हैं कि इसकी एजम्पशंस ही ठीक नहीं है। यानी एक एग्जेम्पशन दैट द सम ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटी शुड बी मैक्सिमाइज। हर बंदे को जो फायदा हो रहा है, अगर उस सारे फायदों को जमा कर दें तो हमें उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए। लोग इस एग्जेम्पशन को कहते हैं यही ठीक नहीं है,
क्योंकि इंडिविजुअल्स के बेनिफिट्स ज़रूरी नहीं है कि वो सोसाइटी के भी बेनिफिट्स हों, क्योंकि ऑब्वियसली सोसाइटी जो है वो फर्ज करें एक एक छोटा सा टाउन जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा है, और वो फैसला करता है कि दरख्तों को सर्दियों में काटना बेहतर है क्योंकि उससे हमारे लोग गर्म रह सकेंगे, अपने घर में चूल्हा जला सकेंगे, लेकिन वो उस सोसाइटी के बाहर के लिए हार्मफुल होगा कि दरख्त कट जाएंगे, मौसम ख़राब होगा, अगली दफ़ा फ्लड नहीं रुकेगा, ओवरऑल टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, जानवरों के हैबिटेट, परिंदों के हैबिटेट वगैरह, सो मैनी अदर थिंग्स। अब जो ये गांव था या टाउन था, इसके बाहर इसके करीब शहर है, उनके इश्यूज भी अगर आप कंसिडर कर लें तो वो भी इन इट सेल्फ समहाउ लिमिटेड होगा। अब फिर अगर आप अगेन इस लिमिटेशन से भी बाहर चले जाएं और उस सूबे को देखना शुरू कर दें तो बाकी सूबों के पे इम्पैक्ट्स को देखना पड़ेगा। फिर इस तरह मुल्क से बाहर, जैसे आपको पता है कि दिल्ली में फसलें जलाई जाती हैं चावल वगैरह की, तो वो स्मॉग लाहौर में आ जाती है, तो एंड सो ऑन ना। जैसे अब दुनिया अब नेट कार्बन की तरफ जो जा रही है और हेल्प कर रही है उन मुल्कों को जो जो ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे उनके ख्याल में अगले 15-20 साल में, जैसे पाकिस्तान हाईएस्ट इम्पैक्ट की लिस्ट में है, तो उनको मुख्तलिफ एरियाज से हेल्प कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग वी आर द वंस विल बी पेइंग द कॉस्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर्स अराउंड द अर्थ। और दूसरी अजम्पशन ये है कि वन कैन ट्रेड ऑफ यूटिलिटी गेन्स एंड लॉसेस अमंग पीपल, यानी कि फर्ज करें एक इंटरवेंशन है जिससे आपको तो 10 रुपए मिल रहे हैं लेकिन आपके पड़ोसी के 7 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो ओवरऑल इसका मतलब है सोसाइटी को 3 रुपए का फायदा हो रहा है, तो ये काम हो जाना चाहिए। तो लोग कहते हैं ये फंडामेंटल अजम्पशन ही गलत है, क्यों हम किसी एक बंदे का नुकसान होने दें इस वजह से कि किसी और बंदे का फायदा हो रहा है। तो इस बेसिस पे थियोरेटिकली लोग इसको डिस्प्यूट करते हैं, और कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में भी लोग डिसएग्री करते हैं, जैसे मोनेटाइज कैसे किया जाए कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को। यही इसी के एग्जाम्पल ले लें कि आप दरख्त काट रहे हैं ताकि सर्दियों में उस इलाके के लोगों को उस उन दरख्तों से लकड़ी मिल जाए, वो जला लें और उनका घर गर्म रहे और वो खाना वगैरह पका सकें, जानवर गर्म रहे, तो इस चीज़ को कैसे मोनेटाइज करें, लकड़ी की कॉस्ट ऐड कर लें, उन लोगों के ऑल्टरनेट ऑप्शंस को देख लें, वो सोलर लगाएं तो कितने पैसे लगेंगे, उनको तक बिजली पहुंचाएं तो कितने पैसे लगेंगे, फिर बेनिफिट्स को मुख्तलिफ तरीकों से देख लें। फॉर एग्जाम्पल उनको हीटिंग का बेनिफिट मिल रहा है तो वो हीटिंग उनको किस लकड़ी के अलावा किस और तरीके से मिल सकती है, उनमें से किसकी कॉस्ट कम है या ज़्यादा है। फिर इसी तरह अगर किसी की सेहत ख़राब हो रही है उससे तो उसको मोनेटाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं जिसमें लोग फिर कहते हैं कि नहीं एक अप्रोच ठीक है और दूसरी गलत है। फिर अगली चीज़ है कि इम्पैक्ट होता क्या है, यानी एक दिन आज हम देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के इम्पैक्ट को तो शायद किसी हद तक समझ आ जाए, लेकिन ओवर टाइम किसी चीज़ की कॉस्ट क्या होती है वो समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्पेशली डीप इनटू द फ्यूचर इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि आप अच्छी तरह किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। वेदर एन इम्पैक्ट इज़ अ कॉस्ट और अ बेनिफिट, आपने एक पर्टिकुलर चीज़ देखी कंसिडर की, अब वो कॉस्ट है या बेनिफिट है ये भी हर दफ़ा क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे इसी को देख लें, जिस जो हम एग्जांपल ले रहे हैं तो एक एक तरह से ये बेनिफिट भी नज़र आ रहा है कि लोग की सर्दी आराम से गुजर जाएगी, और कॉस्ट भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि वेदर रिलेटेड और एनिमल हैबिटेट्स रिलेटेड कॉस्ट हैं। और आखिर में हाउ टू मेक ट्रेड ऑफ्स बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। अब होता क्या है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जिंदगी तो आज ही है कल किसने देखा, तो वो किसी और तरह ट्रेड ऑफ करेंगे आज और कल के दरमियान, यानी आज फायदा हो जाए कल की खैर है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि नहीं हमें अपने मैंने अगले 10 साल 15-20 साल मैंने ही रहना है या मेरे बच्चों ने रहना है या उनके बच्चों ने रहना है, तो मैं उस टाइम को वैल्यू दूंगा, उधर क्या हो रहा है मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये ट्रेड ऑफ्स डिफरेंट तरीके से किए जाएंगे। तो ये दो फंडामेंटल आर्गूमेंट्स हैं, सेट ऑफ आर्गूमेंट्स हैं सीबीए के अगेंस्ट। सीबीए का पर्पज एंड यूज क्या है? पहला पर्पस और यूज़ ये है कि जब मार्केट फेलियर हो जाए तो हम वहाँ पे हमें सीवीए करना ज़रूरी होता है। अब मार्केट फेलियर क्या चीज़ है?
मार्केट फेलियर बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि जब किसी ये नीचे मैंने एक लिंक दिया है इन्वेस्टोपीडिया का, यहाँ पे आप पढ़ भी लीजिएगा। लेकिन बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि जब आप कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि आपका रैशनल डिसीजन ओवरऑल नेगेटिविटी ऐड कर रहा हो। इसी केस को अगर आप देख लें तो एक रैशनल डिसीजन है कि मैं लकड़ियाँ काटूंगा, मेरा घर गर्म रहेगा, लेकिन आप देखें कि ओवरऑल वो मार्केट को नुकसान पहुंचा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से। अभी ये तो हमने बात की उस गांव की ना, लेकिन उस गांव के अंदर भी लोग होंगे, कोई ज़्यादा लकड़ियाँ काट सकेगा, कोई कम काट सकेगा, कोई बहुत बुजुर्ग होगा वो नहीं काट सकेगा। तो आपका रैशनल डिसीजन कि मैं जाके बहुत सारी लकड़ियाँ काट के ले आऊँ, वो ओवरऑल मार्केट में कलेक्टिव एफिशिएंसी नहीं ला रहा होगा। इस चीज़ को कहते हैं मार्केट फेलियर। जब मार्केट्स फेल होती हैं तो ये समझ लें कि द इंडिविजुअल्स इंसेंटिव फॉर रैशनल बिहेवियर दे डू नॉट लीड टू रैशनल आउटकम्स फॉर द ग्रुप। यानी आपको जो लॉजिकल चीज़ लग रही होती है ओवरऑल वो ग्रुप के लिए लॉजिकल नहीं होती। इसमें ये तो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जैसे सब्सिडीज देना। अब आप देखें कि आजकल हम जिस सर्कुलर डेट के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं फॉर सो मेनी ईयर्स, जिसकी वजह से बिजली की कीमत इतनी बढ़ गई है, वो पीछे कभी इस वजह से हुई थी कि हमने एज अ सोसाइटी फैसला किया था कि हम कुछ एरियाज़ को सब्सिडाइज करेंगे। अभी आपको याद होगा कि हम बहुत अरसे से गैस इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों में, और डेढ़ डेढ़ दो दो सौ रुपए, कभी उससे भी कम हमारे बिल आते थे। वो एक इकोनॉमिक डिसीजन था, लेकिन इट लेड टू अ मार्केट फेलियर। और अब सिचुएशन ये है कि मुल्क में गैस नहीं है और उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है, और वही फिर इम्पैक्ट कर रही है इस चीज़ को कि अब हम गैस से बिजली नहीं बना सकते और बिजली की कीमत बहुत बढ़ गई है। तो जब गोइंग बैक, जब मार्केट फेलियर हो जाए तो वहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मार्केट फेलियर, ऐसी सिचुएशन क्यों आने दी जाती है कि मार्केट फेलियर हो, इसके पीछे एक चीज़ को समझना ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं लेसे फेयर। यानी एक एक कॉन्सेप्ट है कि हुकूमत, ये अगेन नीचे एक लिंक दिया हुआ है इन्वेस्टोपीडिया का, वहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हुकूमत को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए फ्री मार्केट्स में। डिमांड और सप्लाई को एक दूसरे के साथ खुद ही एडजस्ट होने देना चाहिए। यानी जिसको ज़रूरत होगी और जिसके पास चीज़ होगी वो आपस में डील कर लेंगे, इस तरह तादाद बढ़ती जाएगी ज़रूरत वालों की, या जिनके पास होगा तो अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो प्राइस कम होती जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ती जाएगी। तो इस रिलेशनशिप से मार्केट को चलने देना चाहिए और हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चलती भी रहती है मार्केट, लेकिन एक वक्त आता है कि वो मार्केट में फेलियर्स आने शुरू हो जाते हैं। अब वो फेलियर मोनोपोली की वजह से हो सकते हैं, जैसे एक ही बंदा है जिसके पास वो चीज़ें हैं तो वो जो मर्जी कीमत रख ले, या ऑपोजिट ऑफ मोनोपोली ये है कि बायर के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाए और सेलर को अपनी कीमत इतनी कम करनी पड़े कि उसके पास इंसेंटिव ही ना रहे वो काम करने का, फिर मार्केट में वो चीज़ ही प्रोवाइड नहीं होगी। या फेलियर इस सेंस में, जैसे मैंने आपको बताया, सब्सिडीज के सेंस में या पब्लिक गुड्स के सेंस में आ जाता है कि कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसका सबको फ़ायदा है और वो कम इस्तेमाल करें या ज़्यादा इस्तेमाल करें और वो टैक्स दें ना दें सबको फ़ायदा है। जैसे मोटरवे बन गई, तो अब कोई अमेरिका से भी बंदा आएगा या चाइना से भी आएगा तो वो उस पर मुफ्त चलेगा 100 हज़ार 2 हज़ार रुपया दे के, लेकिन उसके टैक्सों से तो पैसा नहीं गया, टैक्सों से तो आपके पैसा गया। तो ऐसी जगहों पर गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना पड़ता है। सब्सिडाइज करती है तो इट लीड्स टू इवेंचुअल मार्केट फेलियर। तो ये एक बार इकोनॉमी का साइकिल है जिससे आप गुजरते रहते हैं, और जब मार्केट फेलियर होता है तो वहाँ पे आपको सीबीए करना ज़रूरत होता है। व्हेन मार्केट्स फेल एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड इनएफिशिएंटली, सीबीए कैन बी यूज्ड टू क्लैरिफाई विच ऑफ द पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टेटस को इज़ मोर एफिशिएंट। यानी जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि मार्केट फेलियर हो जाए तो फिर हमें फिर देखना होता है कि अब ये दो चार पांच ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग द ऑप्शन ऑफ स्टेटस को, यानी कुछ ना करना, उसमें से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट ऑप्शन कौन सा है। अब सीबीए की बहुत सारी टाइप्स हैं, टाइप्स की यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन व्हेन इट इज़ कंडक्टेड। तो ये पहली टाइप है एक्स एंटी। एक्स एंटी सीबीए का मतलब होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट को या प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सीबीए जो करते हैं उसको हम कहते हैं एक्स एंटी सीबीए। अब
ये ऑब्वियसली इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप फैसला करें कि करना भी है ये प्रोजेक्ट या नहीं, यानी कि अपनी रिसोर्सेज को उस उधर एलोकेट करना है या नहीं करना। अब इसमें यू कैन इमेजिन कि इसके अंदर किस किस किस्म के एनालिसिस होंगे। फिर एक्सपोस्ट सीबीए होता है। एक्सपोस्ट सीबीए ये होता है कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया, पॉलिसी इंटरवेंशन या प्रोग्राम खत्म हो गया और आप उसके एंड पे सीबीए कर रहे हैं। अब ये ऑब्वियसली आपको बताता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट आइंदा करने चाहिए या नहीं। उस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो हो गया, लेकिन ये आपको ये बता देगा कि इस तरह के प्रोजेक्ट आगे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने ऑफशोर एक्सप्लोरेशन की थी समंदर से, कुछ अर्सा पहले का मतलब है कि तकरीबन वह 50 साल होने वाले हैं, लेकिन वो एक ही प्रोजेक्ट हुआ और उस फिर उसके एक्सपोज में फैसला हुआ कि दिस इज टू कॉस्टली, ये हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अगेन कुछ शुरू हो गए हैं, ऑब्वियसली थिंग्स हैव चेंज, तो अब सीबीए में प्रॉबेबली नज़र आ रहा होगा कि अब बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। फिर है इन मीडिया स्ट्रेस सीबीए, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट के दरमियान में कोई सीबीए किया जाए, दरमियान में सीबीए अगेन अब परफेक्टली सेंटर में तो नहीं होता, मुख्तलिफ टाइम्स पे होता है, तो उसमें फिर ऊपर वाले दोनों के बीच में उसके तकरीबन यूजेस होते हैं उसको। आप किसी अगर यू हैवन गॉन टू डीप इन टू द प्रोजेक्ट तो आप फैसला ये भी कर सकते हैं कि इसको टर्मिनेट कर दें, लेकिन अगर बहुत आगे चला गया ऑब्वियसली फिर संक कॉस्ट का इफेक्ट आता है और उनको टर्मिनेट नहीं किया जाता, लेकिन बहरहाल उनके बारे में ये नॉलेज आ जाती है कि इनको जितना रह गया वो कैसे आगे लेके जाना है और इस तरह के प्रोजेक्ट आगे कैसे करने। और आखिर में है कंपेरेटिव सीबीए, इट कंपेयर्स द एक्स एंटी प्रिडिक्शंस टू एक्स पोस्ट रिजल्ट्स फॉर द सेम प्रोजेक्ट, यानी आपने आज सीबीए किया, फैसला किया प्रोजेक्ट करना है, 2-3 साल प्रोजेक्ट होता रहा, ख़त्म किया, एक्सपोस्ट किया, तो दोनों को कंपेयर करके फिर आप फैसला करते हैं कि ये कैसा रहा हमारा पिछला डिसीजन और अभी के डिसीजन में क्या फ़र्क है। तो आप जब किसी प्रोजेक्ट के बारे में फैसला करें तो उससे पहले फैसला करना है कि आप किस किस्म का सीबीए कर रहे हैं, एक्स एंटी कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, इन मीडिया स्ट्रेस कर रहे हैं या कंपैरेटिव कर रहे हैं। सीबीए की डिमांड भी आजकल आजकल के हमेशा से ही काफ़ी है। जैसे हमारा PC-1 फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो अब 1960 से इट इज़ मैंडेटेड कि अब कोई भी पब्लिक प्रोजेक्ट होना है तो इनफैक्ट जो PC-1 के अंदर जो सीबीए के मुख्तलिफ टूल्स हैं वो बहुत ही एक्सटेंसिव हैं, इट इज़ एक्चुअली प्रोहिबिटिव, सब कर भी नहीं पाते लोग, लेकिन बहरहाल एक रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अमेरिका में, यूके में, बहुत सारे मुल्कों में रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप सम रिलेटेड टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे और प्रूव करेंगे कि आपने ऑल्टरनेट कंसिडर किए थे। और उसमें अब अगेन मैं बार बार सिर्फ सीबीए बोल रहा हूँ, लेकिन रिमेंबर दैट इट इज़ सोशल सीबीए, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का पूरा नाम है, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो गवर्नमेंट्स आपको मैंडेट करती हैं कि आप सोशल सीवीए ज़रूर करें हर इंटरवेंशन से पहले। और ऑब्वियसली एक इसकी नेचुरल डिमांड इस वजह से भी है कि पूरी दुनिया में अब कम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही है, लोग टैक्स नहीं देना चाहते, कम से कम देना चाहते हैं, तो लोग भी जैसे आपको पता है आजकल हमारी सोसाइटी में भी एक देयर इज़ अ कमोशन कि बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता है और वो गलत जगहों पर चला जाता है। इससे पहले हमने देखा कि बांग्लादेश, श्रीलंका, अरब स्प्रिंग, बहुत जगहों पर ऐसा हुआ है, और उसकी वजह यही है कि लोगों के अंदर एक फीलिंग है कि आप हमसे अगर टैक्स लें तो इट शुड बी यूटिलाइज टू द बेस्ट पॉसिबल सोशल इंटरवेंशन, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी अब IPPs के केस में देख रहे हैं कि एक पब्लिक का बड़ा सिवियर रिएक्शन है उसकी तरफ कि वो वही चीज़ है जो हमें एज अ सोसाइटी बहुत नुकसान पहुंचा रही है, तो उसकी वजह से फिर डिमांड बनती है कि फॉर एग्जाम्पल अभी जो IPPs नॉर्मल चल रही थी तो गवर्नमेंट पे प्रेशर आया और अब फैसला हुआ है कि उनके हम एक्सपोस्ट एनालिसिस दोबारा करेंगे और जो जो एक सर्टन थ्रेशोल्ड से नीचे होंगे या हम उनको कहेंगे आप रीनेगोशिएट करें या हम उनको बंद करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है डिमांड फॉर सीबीए का। सीबीए करना ऑब्वियसली आसान नहीं होता, जैसे हमने पीछे बात की, एक तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, तो आपको एनालिटिक टाइम आपका खर्च होता है, ह्यूमन कैपिटल, प्लानिंग डिवीज़न बहुत बड़ी डिवीज़न है, उसमें आप लोगों को शायद पता होगा मुख्तलिफ कमिटीज़ हैं उसमें,
एक एक कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत सीनियर लोग होते हैं, और उनकी पेज फेडरल मिनिस्टर से भी ज़्यादा होती हैं, और एक एक कमेटी में 10-10 लोग होते हैं उस तरह के, और उस तरह की डजन ऑफ कमेटीज होती हैं. तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल और एनालिटिक टाइम एंड मनी जो कि आप लगा रहे होते हैं एनालिसिस करने के लिए. और ये सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती हैं, यानी आप इन्हीं चीज़ों को सीबीए के अलावा किसी और चीज़ पे भी लगा सकते हैं. तो सीबीए की बहुत सारी कॉस्ट्स भी होती हैं. अब सेकंड पार्ट ऑफ आर लेक्चर विच इज़ मेजर स्टेप्स इन सीबीए, ये 10 स्टेप्स हैं, और इनको इंशाल्लाह हम पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन में देखेंगे.